धार के समीप दिग्ठान ग्राम में स्थित है मालवा की वैष्णो देवी। जी हाँ, किंवदंतियों के अनुसार समीप बहने वाली दांगुल नदी के ग्रामीण एक विशाल शिला पर कपड़े धोया करते थे। एक रात माता ने स्वप्न में बताया कि जिस शिला पर तुम कपड़े धोते हैं उसमें मैं तीन रूप में विराजमान हूँ। यह बात जब गांव के मंडली जगीदार को बताई गई तो उन्होंने शिला को पलटवाया, जिसमें माँ ने अपने तीन रूपों में दर्शन दिए। तब से ये माता यहाँ विराजमान है। वर्तमान में 5 करोड़ की लागत से हिंदू समाज द्वारा माता के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। नवरात्र पर्व के चलते मंदिर में षटचंड की पाठ और महाआरती का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। मंदिर को फूल मंगले सजाया जा रहा है। दूर दूर से माता के भक्त दर्शन को पहुंच रहे हैं। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। जय माता दी। देखिए, जो मालवा की वैष्णो देवी मंदिर है ये अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पास में ही दांगुल नदी बहती है, वहाँ पे लोग इसमें कपड़ा धोया करते थे। उल्टी शिला थी, एक दिन धोबी को स्वप्न दिया और धोबी ने यहाँ के जागीरदार को बताया और जब उस शिला को पलट कर देखा तो देवी का उसमें साक्षात देवियाँ दिखी। तो जागीरदार ने खूब हाथी घोड़ी लगाकर इस जो एक मूर्ति का जो पाषाण मिला था उसको वहाँ तक खिंचवाया, पर माता वहाँ से हिली नहीं, उससे आगे गई नहीं। वहीं पे मंदिर, माता का भव्य मंदिर जो पुराना जो बना था उसको स्थापित कर दिया गया। और विशेषता यह है कि यहाँ पे भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी यहाँ पे भक्त आता है, अपनी कैसी भी मनोकामना करता है तो उसे पूर्ण होती है। विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की यहाँ पे विशेष बात है। यहाँ की विशेषता माता जी दिन में कितने रूप बदलती है? यहाँ पर प्रातःकाल जो है वो बाल अवस्था में दिखती है और जो दोपहर के समय में यौवन रूप दिखता है और सायं के समय पे वो वृद्धावस्था, तीन रूप माता के दर्शन होते हैं। आपका नाम? दिनेश कुशवा, मालवा की वैष्णो देवी मंदिर में जीर्णोद्धार समिति का सदस्य। कोरोना महामारी को देखते हुए जी आप देख रहे हो जी, ये आज नवरात्रि का 7वां दिन है जी, और सभी जो माता भक्त हैं वो सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी सब अपने अपने परिवार के साथ यहाँ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं जी। और जो चुनरी यात्रा है वो भी 10-10 लोगों की यहाँ पे चुनरी यात्रा आ रही है जी। कितनों गांवों से चुनरी यात्रा आती है यहाँ पर? हर वर्ष यहाँ पे 201 गांव की चुनरी यात्रा आती है जी। और आज 7वां दिन है, लगभग 160 गांव की चुनरी यात्रा आज यहाँ पे आरम्भ हो चुकी है। और मालवा की प्रसिद्ध माता वैष्णो रानी का क्या महत्व है और क्या रूप बदलते हैं? आप देख रहे हो कि जो ये मालवा की माँ वैष्णो देवी दिखान वाली माता है, एक शिला पे तीन देवियाँ हैं, ये पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से देवियाँ विराजमान है। पास में नदी है, यहाँ धोती उस शिला पे शिला थी, शिला पे कपड़े धोता था, वहाँ पे माता रानी ने स्वप्न दिया और वहाँ से यहाँ माता जी लाए और यही मंदिर अर्पण कर दिया। आज माता रानी की पूरे देश भर में इतनी प्रसिद्धि हो गई, आज यहाँ 7वां दिन है, हजारों लोग यहाँ माता रानी के दर्शन कर चुके हैं, यही माता रानी के महत्व है। आपका नाम? निर्भय सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच धार, यात्रा संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।